भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर बागली विधानसभा के ग्राम कमलापुर में सेवा सहकारी संस्था परिसर में आयोजित खेत धरने का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कन्नौज ने कहा कि कमलनाथ सरकार के छल का सबसे बड़ा शिकार प्रदेश का अन्नदाता हुआ है। इस सरकार ने पहले कर्ज माफी का छलावा किया, फिर मुआवजे की धोखाधड़ी की और अब यूरिया के लिए किसानों को परेशान कर रही है। भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर आयोजित खेत धरना आरंभ होने के पूर्व ही टीआई दिनेश सिंह चौहान ने धारा 144 का हवाला देते हुए अनुमति निरस्त होने की जानकारी मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह को दी, जिस पर विधायक सिंह बिखर गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सत्ता के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए अपनी गिरफ्तारी देने तक की बात भी कह दी। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद पुनः धरने की अनुमति प्रदान करी। प्रशासन के नाटकीय घटनाक्रम के बाद दोपहर में धरना आरंभ हुआ। वहीं स्थिति को देखते हुए एसपी सहित पूरा प्रशासन क्षेत्र भी सक्रिय दिखा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। क्या यहाँ पर खाद को, कोई यूरिया खाद को लेकर कोई परेशानी नहीं? कोई किल्लत नहीं है। 3180 बोरी 464 किसानों को अपन ने वितरण नियम अनुसार कर दिया गया है और खाद का वितरण चालू है। जो यहाँ पर भाजपा द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर यहाँ कोई किल्लत ही नहीं है साहब, सबको बिल्कुल, कोई किसान खाद को लेकर यहाँ किसान संतुष्ट है? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। भाजपा के द्वारा तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर खाद की किल्लत है? नहीं नहीं, यहाँ पर किल्लत नहीं किया जा रहा है। नहीं नहीं, कोई किल्लत नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रूप से किसानों की भरपाई कर दी गई है और खाद का वितरण चालू है। जैसे अभी आएगा ऐसे ही अपन वितरण चालू कर देंगे। हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर खाद बीज की जो समस्या चल रही है, किसानों की समस्या चल रही है, उनकी मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे कमलापुर में एकत्रित हुए हैं और प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारे क्षेत्र के और पूरे प्रदेश की जो समस्या है, खाद बीज जो ब्लैक में इधर उधर जा रहा है, वो कम से कम सोसाइटी और मर्यादित संस्थाओं के द्वारा वितरण करें। आज हम जहां बैठे हैं, इस संस्था पे भी खाद बीज उपलब्ध नहीं है। खाद बिल्कुल, यूरिया का पूरे प्रदेश में कमी है, जो कहां जा रहा है वो दो नंबर में कालाबाजारी हो रही है। इसी की चेतावनी देने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमने इसी संबंध में आज यहाँ किसानों से चर्चा की, लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है खाद को लेकर। पर्याप्त यहाँ पर खाद वितरण हुआ, लगभग 3000 बोरी वितरण हो चुका है। यदि खाली कमलापुर में यदि वितरण हुआ है तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर अभी भी इस संस्था में आप जाकर देख सकते हो, कोई भी खाद नहीं है। और ये लोग कमलनाथ के जो सरकार है, सिर्फ झूठ बोलने के आदि हैं। इनने झूठ बोलकर सरकार बनाई है। पिछले साल ओला पाला प्रभावित किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया है और अभी कल ही हमारे क्षेत्र में भारी मात्रा में ओला प्रभावित हुआ है, जिसमें सुंदरेल और सुंदरेल के आसपास बोरानी और कई गांव हैं, उन गांवों में पूरी तरह से फसल 100% नष्ट हुई है और आज के सारे पेपर न्यूज में ये समाचार छपे हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है और यूरिया की पूरी तरह से कालाबाजारी हो रही है। यूरिया कतई नहीं मिल रही है और यहाँ तक कि हमारे सतवास, काटाफोड़, उदयनगर, पूंजापुरा, बागली में बिल्कुल यूरिया नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।